नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौर में। आज की चर्चा का विषय है नीच भंग राजयोग। तो ये समझने के लिए कि नीच भंग राजयोग क्या है, हमें पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि नीच होता क्या है, वो भंग कैसे हो जाता है, और भंग होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। तो पहले छोटे छोटे डेफिनेशन ले लेते हैं जिससे कि ये बात समझने में मजा आए और आसानी हो जाए। हर ग्रह की शास्त्र के हिसाब से अपनी उच्च और नीच राशि होती है। गुरु मकर राशि में 4 डिग्री तक परम नीच के होते हैं और मकर उनकी नीच राशि है, यानी 4 डिग्री तक परम नीच गिने जाते हैं। ये था नीच राशि। नीच का प्रभाव मैक्सिमम खराब, सबसे ज्यादा कमजोर, यानी गुरु ना केवल पर प्रभाव करें बल्कि बुरा प्रभाव करें, नीच में वो प्रभाव बुरा करेंगे। अब नीच भंग कैसे होता है? कोई ग्रह जिस घर में भी नीच का होता है उसी घर में उस घर का मालिक स्वग्रही हो तो नीच भंग हो जाता है। अब यह स्थिति यह है कि मकर राशि में पहले से ही शनि बैठे और गुरु अपनी नीच राशि में जब प्रवेश करेंगे तो गुरु पहले से, शनि वहां पहले से बैठे हैं, तो शनि और गुरु दोनों का कम्बिनेशन बना और ये नीच भंग राजयोग का एक प्रकार, एक वैरायटी बन गई। एक और भी है, जिस हाउस में कोई स्टार नीच में जाता है उसी हाउस में अगर कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो भी नीच भंग हो जाता है। मंगल देव पहले से ही वहां बैठे होंगे जो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं और गुरु नीच राशि में रहेंगे, तो मंगल देव वहां 4 मई तक रहेंगे। इसलिए ये जो नीच भंग का सेकंड वैरायटी मैंने बताई ये 4 मई तक लागू रहेगी, उसके बाद मंगल देव अगली राशि में चले जाएंगे, पर शनि यहां पर लगातार बने रहेंगे। तो हमें चीज समझ में आई कि अभी नीच क्या है। नीच एक राशि है जो ग्रह की एक खास अवस्था को दिखाती है, जो उसकी सबसे कमजोर या बुरी अवस्था है, और नीच भंग उसकी मैक्सिमम अच्छी अवस्था है जब वो कोई बुरा प्रभाव नहीं करेगा, इसे नीच भंग कहते हैं। अब इसका प्रभाव किस तरह हो सकता है, एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई इसको आम भाषा में कैसे समझा जाए। अगर मैं किसी ऑफिस में एक छोटे पद पर नौकरी करता हूं और जो मेरे सीनियर ऑफिसर हैं वो मुझे परेशान करते हैं, और अगर मैं उन्हें ये बताऊं कि मेरे पिता इसी दफ्तर के सबसे बड़े अधिकारी, तो अभी से आप नीच भंग समझ लीजिए कि मैं पहले कमजोर था, मेरी सामर्थ्य कम थी, लेकिन मेरी जो बैकअप है, मेरी जो बैक है, मेरी जो सामर्थ्य है, मेरी जो पकड़ है वो बड़ी मजबूत है। तो अब जो मेरे सीनियर अधिकारी हैं, मेरे पिता उनसे भी बड़े सीनियर अधिकारी हैं, तो इसे नीच भंग राजयोग की एक वैरायटी समझ लीजिए। एक आसान तरीका यही है कि मैं हूं तो कमजोर लेकिन मेरा प्रभाव बदल गया, अब मेरी सामर्थ्य राजयोग वाली हो जाएगी। तो नीच भंग की बात क्लियर हो गई होगी आपका, मजेदार विषय। एक और भी विशेष चीज ये है कि जब भी 2 ग्रह इकट्ठे होते हैं तो उनका एक खास तरह का प्रभाव हो जाता है, यहां तो 3-3 इकट्ठे हो जाएंगे। तो पहले 2 को समझते हैं। जब मंगल और शनि एक साथ रहते हैं तो ऐसी शास्त्र का नियम है कि मंगल को बल अधिक मिलेगा, शनि को थोड़ा कम, क्योंकि शनि स्वग्रही है, उनकी सामर्थ्य बहुत अच्छी है, लेकिन मंगल अपनी उच्च राशि में, और जो ग्रह भी उच्च राशि में चला जाता है उसकी ताकत स्वग्रही स्टार से ज्यादा होती है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो जब शनि और मंगल इकट्ठे होते हैं तब भी शनि की ताकत से ज्यादा मंगल की ताकत, या सामर्थ्य के मामले में मंगल शनि को ओवरलैप कर लेते हैं, कंट्रोल अपना बना लेते हैं। और जब गुरु इनके साथ आते हैं, मंगल के साथ, तो मंगल क्योंकि गुरु के परम मित्र हैं, उनके उन गुरु को अपना आदरणीय समझते हैं, अनुकरणीय समझते हैं, तो इसलिए वो गुरु के सामने अपनी सामर्थ्य को कम करके गुरु की सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। अब इन तीनों कॉम्बिनेशन की एक सिरे से चर्चा करते हैं। जब शनि भी इकट्ठा है मंगल के साथ तो मंगल की ताकत बढ़ गई, और मंगल के साथ जब गुरु है तो गुरु की ताकत बढ़ गई,
तो इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली स्टार हो गया वो हो गया गुरु। इसीलिए ये जो गुरु का नीच भंग राजयोग बनेगा और ये तीन ग्रहों का जो योग बनेगा इसमें गुरु की ताकत सबसे अधिक गिनी जाएगी, मंगल दूसरे नंबर पे, शनि तीसरे नंबर पे। जो ग्रह सामर्थ्य में सबसे ज्यादा बलवान होता है प्रभाव सबसे अधिक उसी का होगा, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं भी कहीं जा रहा हूं, साथ में मेरा छोटा भाई जा रहा है और मेरा बेटा जा रहा है, तो ताकत मेरी होगी, ग्रुप का लीडर खुद ब खुद मैं हो जाऊंगा, वो मुझे फॉलो करेंगे। ये एक तरीके से बात को समझ लीजिए आप। तो नीच क्या है, नीच भंग कैसे होता है और फिर सामर्थ्य कैसे तय होती है स्टार्स की, ये बात मैंने आपको बता दी। अब बात आती है कि इनका सभी लग्नों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे एक एक करके देखें। मेष राशि, तो जो मेष लग्न वाले हैं उनके लिए इसका क्या प्रभाव रहेगा या क्या तालमेल आएगा, इसकी चर्चा पहले कर लेते हैं। तो दशम भाव में ये बात बनेगी। दशम भाव कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण घर है, किसी भी हाउस से उसी सामर्थ्य चेक करने के लिए उसके दशम भाव को देखना। तो दशम भाव में गए हुए सारे ग्रह लग्न को और उसकी सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। तो मेष के लिए अति शुभ है ये कॉम्बिनेशन, कोई नुकसान नहीं, किसी तरह की समस्या नहीं, लाभ ही लाभ। अब इस तीनों की अपनी अपनी तीन विशिष्ट दृष्टियां हैं, मंगल की भी हैं, मंगल 4, 7, 8 को देखते हैं, शनि 3, 7, 10 को देखते हैं, गुरु 5, 7 और 9वें भाव को देखते हैं। ये इनकी तीन अपनी अपनी दृष्टियां, लेकिन जो तीनों में कॉमन दृष्टि है वो सातवीं दृष्टि, सभी ग्रहों की सातवीं दृष्टि होती है। तो दशम भाव के लिए तो बेहद शुभ है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और जो चतुर्थ भाव पे इन सबकी दृष्टि पड़ेगी तो उसमें शनि की शत्रु दृष्टि, मंगल की नीच दृष्टि और गुरु की उच्च दृष्टि। तो ये भी एक नियम है कि कहीं किसी भाव पर किसी ग्रह की नीच दृष्टि पड़े और वहीं पर दूसरे ग्रह की उच्च दृष्टि पड़े तब भी नीच भंग हो जाता है। तो हुआ ये कि इस नीच दृष्टि का जो मंगल डाल रहे हैं का प्रभाव कम कर देंगे गुरु अपनी उच्च दृष्टि से देखने से। तो चौथा घर सुखों के हिसाब से भी, मकान के हिसाब से, विद्या के हिसाब से, पढ़ाई लिखाई, छोटी मोटी यात्राएं, अपना मकान, अपनी एजुकेशन, संतान पक्ष, लगभग इन सब मुद्दों पर ये स्थितियां बहुत शुभ रहने वाली हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं। भाग्यवर्धक है, सामर्थ्यवर्धक है, आपका रुतबा इंप्रूव होगा, आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, आपकी कुछ एडिशनल सोर्सेज भी इस दौरान इनकम की देखने में। तो मेष के लिए स्थितियां बेहद शुभ हैं, कुछ खराब नहीं। वृषभ की बात करते हैं तो वृषभ लग्न में स्थिति 9वें घर में भाग्य के स्थान में रहेगी। यहां थोड़ा सा एक फर्क देखने की बात है कि मंगल अष्टमेश, मंगल सप्तमेश है और गुरु अष्टमेश हो जाएंगे, तो यहां पे थोड़ी स्थिति कमजोर हो जाती है और केवल शनि यहां सामर्थ्यशाली गिने जा रहे हैं। तो ये दृष्टि या ये संयोग जो है ये बहुत अशुभ फल नहीं देगा, अशुभ तो देगा ही नहीं पर बहुत शुभ नहीं देगा, इसकी शुभता थोड़ी घट गई। पूर्ण दृष्टि तीसरे घर पर आएगी, छोटे भाई बहनों के साथ सुख तालमेल, अपने एफर्ट्स, अपने प्रयास को लेकर के स्थितियां बड़ी सुदृढ़ होंगी, आपके अपने प्रयासों का जबरदस्त फल प्राप्त होने का सुंदर योग बनेगा। तो इस लिहाज से स्थिति बहुत अच्छी, सेविंग्स थोड़ी इंप्रूव होंगी इसमें कोई शक नहीं, इनकम इंप्रूव होगी पर खर्चे भी बढ़ेंगे। अब खर्चे भी बढ़ रहे हैं ये भी सब दिक्कतें आ रही, प्लस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके तो सेविंग्स का घटना, खर्चों का बढ़ना, दोनों बातें, भाई बहनों के साथ तालमेल, कोशिश करके अच्छे से अच्छे रिजल्ट निकालने की ताकत यानी बाहुबल से बल। तो वर्षा के लिए लमसम काफी अच्छा है, छोटी मोटी बातें खराब है। मिथुन लग्न की बात करते हैं, मिथुन लग्न के लिए स्थिति यह है कि ये कॉम्बिनेशन जो तीनों घरों का है 8वें घर में बनेगा। यहां पर शनि अष्टमेश है, गुरु सप्तमेश है और मंगल षष्ठेश है, तीनों ही कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी खराब स्थितियों को मेंटेन करते हैं। सेविंग्स जरूर इंप्रूव होंगी, पैतृक संपदा, कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां थोड़ी सुधरेंगी, लेकिन कमोबेश बहुत अधिक लाभ होता हुआ नहीं दिखेगा। वैवाहिक जिंदगी को थोड़े बहुत तनाव जरूर आएंगे, सेहत को भी थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने में आएंगी, इनकम थोड़ी इंप्रूव जरूर कर सकती है लेकिन भाग्य को भी उतना अधिक सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये
बहुत अच्छा हिसाब किताब, मिथुन के लिए बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा खराब है, थोड़ी सी सावधानी की जरूरत पड़ेगी। कर्क की बात करते हैं, कर्क लग्न के लिए सातवें घर में वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन के सुखों के घर में आएगा। लग्न पर दृष्टि तो बहुत शुभ है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि बृहस्पति की उच्च दृष्टि पड़ने के कारण लग्न को सामर्थ्य और बल प्राप्त हो रहा है, अच्छी बात हो गई। मंगल की उच्च दृष्टि, मंगल की जो स्वदृष्टि है वो दशम भाव पर आ रही है, ये भी स्थिति बड़ी सत्ता, इसमें भी कोई समस्या नहीं। लेकिन सारी समस्या यह है कि अष्टमेश सप्तम भाव में है, सौरंगी मेष, तो थोड़ा बहुत वैवाहिक जिंदगी डिस्टर्ब हो सकती है, भाग्य इंप्रूव हो रहा है, स्टेटस इंप्रूव हो रहा है, सेहत, आपका व्यक्तित्व, रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बीमारियां कम, कर्जे कम, शत्रुओं पर विजय। तो कर्क के लिए स्थिति थोड़ी बहुत जिस मुद्दे पर खराब है उसकी मैंने चर्चा की, लेकिन कमोवेश बिल्कुल ठीक है। सिंह लग्न की बात करते हैं, सिंह लग्न के लिए स्थिति यह है कि छठे घर में ये सारा कंबिनेशन है, शत्रुओं पर जबरदस्त विजय प्राप्त करने का योग, बीमारियों से लड़ने की ताकत, कर्ज को निपटाने की या नया कर्ज लेना ही ना पड़े, ये स्थिति भी यहां पे देखने वाली, बड़ी अच्छी स्थिति है। भाग्य को लाभ होगा, सेविंग्स थोड़ी इंप्रूव होगी, संतान पक्ष को भी थोड़ा बहुत फायदा देखने में आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खींचतान संतान के हेल्थ को लेकर देखने में आ सकती है, ऐसी छोटी मोटी समस्याएं देखने में आएंगी, लेकिन लमसम बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया है, सिंह के लिए भी बहुत अच्छा है। कन्या लग्न की बात करते हैं, अब कन्या लग्न की स्थिति यह है कि पांचवें घर में सारा कॉम्बिनेशन है, संतान के लिए, सेहत के लिए, विचार विमर्श के लिए, फैसले लेने के लिए, डाइजेशन के लिए, ये बहुत अच्छा हिसाब किताब है, इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़झाला नहीं बनेगा। अब जो विशेष यहां ये बात बनती है वो ये कि इनकम के घर पर इलेवंथ हाउस पर जबरदस्त इसका योग पड़ेगा, तो बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त आमदनी के ग्रोथ का योग ये अगले 3 महीने तक बनेगा, जिसका फायदा जबरदस्त देखने में आएगा, बहुत लाभ होगा, आपके प्रयास, आपके एफर्ट्स इंप्रूव होंगे, आपका स्टेटस, आपका पारिवारिक जीवन, आपके सुख, आपका मकान, आपका वाहन, आपकी यात्राएं, लगभग हर मुद्दे पर आपको सुख की प्राप्ति होगी, किसी तरह का कोई नुकसान होता हुआ यहां पे नहीं दिखाई देता है। तुला लग्न की चर्चा करते हैं, तुला लग्न के लिए स्थितियां कुछ अच्छी और कुछ खराब। चौथे घर में गोचर में बैठने वाले ग्रह सुख फल नहीं देते, ऐसा एक नियम है, 4, 8, 12 में गोचर में जो भी ग्रह जाते हैं, चौथे घर, आठवें घर और बारहवें घर, वो सुफल नहीं देते। यहां पर मां के लिए भी थोड़ा कष्ट देखने में आएगा, और थोड़ी बहुत स्थितियां, अगर बच्चा छोटा है, उसकी एज कम है बचपने में, तो उसके स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कत देखने में आएगी। आमदनी और रुतबा तो इंप्रूव हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्टेटस ऑन दी होल बढ़ सकता है, लेकिन मां, मकान, वाहन, हायर एजुकेशन, इन सब मुद्दों पे दिक्कत रहेगी। तो थोड़ी सी अच्छी स्थिति है, थोड़ी सी खराब स्थिति है, बुरी नहीं है, ठीक है, बुरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति यहां पे नहीं, तो थोड़ा सा लाभ होगा, कुछ मुद्दों पर थोड़ा सा नुकसान देखने में आएगा। वृश्चिक की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन के हिसाब से तीसरे घर में आएगा, बहुत शुभ, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं है, यहां पर बाहुबल बहुत बढ़ेगा, किए हुए प्रयासों के जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, भाग्य की जबरदस्त उन्नति होगी, अपनी सेहत, अपना व्यक्तित्व, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य, संतान पक्ष की स्थितियां, हर चीज इंप्रूव होगी, कुटुंब के साथ तालमेल, ऐसा एक भी मुद्दा यहां नहीं समझ में आता है जहां लगे कि साहब ये बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो वृश्चिक वालों के लिए अतीब शुभ है, बहुत मजा आने वाला है, और बहुत ग्रोथ होगी, और जरा सी भी कोशिश उन्होंने एक्स्ट्रा की तो वो ग्रोथ होगी कि आप बोलोगे कि जीवन में इतनी अच्छी ग्रोथ तो कभी देखी नहीं। धनु के लिए जो स्थितियां हैं ये सेकंड भाव में बनेंगी, कुटुंब के साथ, पैतृक धन संपदा के साथ, बोली भाषा, इन सभी मुद्दों पर विचार, आपके तालमेल अच्छे होंगे, परिवारजनों से संबंध बढ़ेंगे, और थोड़ी बहुत भाषा खराब होगी, आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी, भाषा को दिक्कतें जरूर आएंगी। आठवें घर पे सारी दृष्टियां पड़ रही है, ये कोई बहुत शुभ स्थिति नहीं गिनी जाती, आठवें घर पे ज्यादा शुभ दृष्टियां ठीक नहीं है, तो भाव ये निकलेगा कि जाने अनजाने आपकी सेविंग्स कम होंगी, भागदौड़ ज्यादा होगी, कुछ
मांसपेशियों से संबंधित तकलीफ, कुछ गठिया जैसी समस्या, कुछ कमर दर्द की यानी मांसपेशियों से मिलती जुलती ज्वाइंट पेन जैसी समस्या यहां इंप्रूव जरूर होंगी। संतान पक्ष को लाभ होता हुआ दिखाई देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशन बिल्कुल ठीक है, परिवारजनों से तालमेल ठीक है, सेहत व्यक्तित्व ठीक है, माताजी के साथ तालमेल की स्थितियां थोड़ी ठीक थोड़ी खराब, उनके स्वास्थ्य को छोटी मोटी समस्याएं देखने में जरूर आएगी। इस मुद्दे पर ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। इनकी बात खत्म कर दें धनु की, अब बात करते हैं मकर। अच्छा, मकर की स्थिति यह है, लग्न में ही सारे राजयोग बन रहे हैं, इससे ज्यादा शुभ तो हो ही नहीं सकता। मंगल का भी राजयोग है, गुरु का भी राजयोग है और शनि का भी राजयोग है, तीन राजयोगों का कॉम्बिनेशन एक साथ लग्न में बना, इसका थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट वैवाहिक जिंदगी पर जरूर आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि एक हाउस अगर बहुत मजबूत करोगे तो उसके सामने वाला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। लेकिन जीवन स्तर, स्टेटस, पोजीशन, सामर्थ्य इतनी ऊंचाइयां मिल सकती हैं कि आप सपने में भी ना सोचो, बहुत कामयाब होने का योग बनेगा। तीन तीन राजयोग का कॉम्बिनेशन लग्न में होना मतलब जिंदगी बन गई, समझिए राजा बन गया, इतना लाभ। अब समझ के देखिए, इस तीन महीने में ऐसा तो है नहीं कि सब छुवंतर हो जाएगा, लेकिन जरा जरा सी भी कोशिशें की गई तो बहुत अच्छे फायदे, बहुत शुभ लाभ प्राप्त होने का यह योग बनेगा, जिसका आपको इंतजार करना चाहिए। इनकम में, सेहत में, व्यक्तित्व में, परिवारजनों के साथ तालमेल और हायर एजुकेशन, पोस्टिंग, बड़ा मकान, कार, ये सब का योग बड़ा अच्छा बनेगा। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ी डिस्टर्बेंसेस उसमें जरूर आएंगी, इसके लिए थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। कुंभ लग्न की बात करते हैं तो बारहवें घर में सारा योग बनता है, अब ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, खर्चे ज्यादा होंगे, शौफ ज्यादा होगा, तनाव ज्यादा होगा, मांसपेशियों से संबंधित, एसिडिटी से संबंधित प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, इन सब चीजों को भी संभालना जरूरी। कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होना, डॉक्टर के पास भागदौड़ भी मतलब बढ़ जाना, ये सब भी देखने में आएगा। शत्रु पक्ष थोड़ा कमजोर जरूर होगा, शत्रुओं पर आपकी पकड़ बनेगी, लेकिन कुल मिलाकर नुकसान ज्यादा है। आंखों को भी कोई दिक्कत देखने में जरूर आएगी, थोड़ा दुखी रहने का भी योग बन सकता है, घर से दूर जाने का भी योग बन सकता है, तो थोड़ी तनावग्रस्त स्थिति रह सकती है, तो इसे कोई बहुत शुभ योग नहीं माना जा सकता कुंभ लग्न के लिए। अब बात करते हैं मीन लग्न, जो हमारी आज की आखिरी लग्न है। तो मीन लग्न की स्थिति क्या है, तो मीन लग्न के लिए जो स्थिति है वो ये है कि ग्यारहवें घर में ये सारा कॉम्बिनेशन आएगा, तीन छह और ग्यारह में जितने भी पापी ग्रह जाते हैं या ग्रह इकट्ठे होते हैं वो लगभग सभी अतीव शुभ फल देते हैं, और मंगल और शनि दोनों को पापी ग्रह समझा जाता है, इसलिए शुभता उनकी बढ़ जाएगी, वहां वो अपना पॉजिटिव साइड कर सकते हैं। बहुत अच्छा है संतान के लिए, प्रयासों के लिए, कुटुंब के साथ तालमेल के लिए, आपकी बोली भाषा का प्रभाव, आपका स्टेटस, आपका रुतबा, आपकी सेहत, इनकम और भाग्य, हर मुद्दे को बहुत अच्छे से प्रभावित करेगी, हर तरीके का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, किसी तरह की कोई भी ऐसी समस्या है आती हुई नहीं दिखाई देगी जिसके लिए आपको तनाव महसूस हो। जिनके लिए थोड़े कम प्रभाव आ रहे हैं, अगर वो बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें तो उन्हें और अधिक लाभ हो सकता है। मैं बृहस्पति का बीज मंत्र लिख दूंगा जिसे आप पढ़ सकते समझ सकते। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा, इसके संबंध में अगर आप अपना कोई विचार रखना चाहें तो रख सकते हैं, और जो पहले वीडियो में बना चुका हूं उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं जब अगला कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको जल्दी मिले। इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से हमें प्रेरणा मिलती है और अच्छी क्वालिटी के वीडियो बनाने की कोशिश करने की जितनी सामर्थ्य है उतना प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।